प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कोरोना संकट पर मौजूदा हालात और भावी रणनीतियों पर सोमवार को चर्चा में कुछ मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन बढ़ाने का सुझाव दिया। इनमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी, पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह शामिल हैं। वहीं राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने भी पूरे देश से लोगों को आवाजाही पर पाबंदी की मांग की। उन्होंने जोन आधारित पाबंदियों हटाने पर भी आपत्ति जताई है और कहा है कि ग्रीन जोन में भी आवाजाही बंद होनी चाहिए। पीएम सोमवार को लॉकडाउन को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक कर रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉकडाउन से चरणबद्ध तरीके से बाहर निकलने और आर्थिक गतिविधियां तेज करने के उपायों पर सोमवार को मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा की। बैठक में प्रधानमंत्री ने अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के संकेत दिए हैं। राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा है कि धीरे धीरे देश के कई हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं। आने वाले दिनों में ये काम और तेजी से होगा। हमें कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अब और अधिक ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। कोरोना वायरस से दुनिया को बचाने के लिए भारतीय नर्स फरिश्ता बन गई हैं। यूरोप हो या अमेरिका, खाड़ी के देश हो या फिर अफ्रीका, हर जगह दिन रात लोगों की जिंदगी बचाने में जुटी हुई है। संक्रमण फैला, कई साथियों की मौत हुई, इसके बावजूद हिम्मत नहीं हारी। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक हजारों भारतीय नर्सें अमेरिका, ब्रिटेन और मध्य पूर्व में महामारी से जूझ रही हैं। दो दिन पहले भी स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे दुबई की मदद करने के लिए 88 भारतीय नर्सों का दल वहां पहुंचा है। रेल मंत्रालय ने नई दिल्ली से जिन 15 अप डाउन ट्रेनें 12 मई से चलाने की घोषणा की है, उसके ताजा दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। रेल यात्रियों को ट्रेन की रवानगी के समय से 90 मिनट पहले स्टेशन पहुंचना होगा। रेल टिकट को ही कर्फ्यू पास माना जाएगा। केंद्र ने प्रवासियों के सड़कों और रेलवे ट्रैक पर चलने को लेकर गंभीर चिंता जाहिर करते हुए राज्यों से इसे रोकने को कहा है। मजदूरों के पैदल अपने घरों की ओर जाने की घटनाओं के संबंध में गृह मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी की है। केंद्र सरकार ने राज्यों से यह भी सुनिश्चित करने को कहा है कि लॉकडाउन के दौरान चिकित्सक और चिकित्सा कर्मियों को आवाजाही में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, इससे चिकित्सा सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।